देखो बच्चों, हाइड्रोक्सपेटालिस जैसा कि प्रियंका ने कहीं से लाया और पूछा, हाइड्रोक्सपेटालिस ठीक है। हाइड्रोक्सपेटालिस क्या है? एक ऐसा कंडीशन जबकि अल्फा थैलेसेमिया यानी थैलेसेमिया वाला कंडीशन रहता है किसका, मदर का, तो उसकी वजह से बच्चे का लीवर वीवर पूरा स्वेल कर जाता है, ठीक है, लिक्विड भर जाता है उसमें, फ्लूइड होता है, तो भैया हाइड्रोक्सपेटालिस। चलो आगे चले, क्या ओके हम आगे चल सकते, सर, बताओ। भागो भागो, चलो मत भागो। और ये सारा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, याद रखना, लास्ट में हम कुछ पूछने वाले हैं। और ये इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी, क्या है मेंडेलियन, ऑटोसोमल? क्या बोल रही हो प्रियंका? नहीं सर, बस रिपीट कर रही थी। ओ, तो फिर बताओ कैसा लगा रिपीट करके, याद हुआ? शायद कुछ बोलेगी नहीं, क्या बोला तो शायद है हम लोगों को पढ़ना? बीटा है ना, बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, अब इसका, अल्फा और बीटा का साइन नहीं बना। ठीक है, हाँ बना लो कोई दिक्कत नहीं, लो बीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो कहानी कौन से क्रोमोसोम पे चल रहा था? अल्फा 16 नंबर, कौन सा? 16 नंबर। अब चलेगा क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर 11? अब क्रोमोसोम नंबर 11 पर कुछ जीन है, ठीक है, एलील्स है प्रेजेंट। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये जीन है, ये दोनों जीन क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं बीटा चेन को, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन, उसको ऐसे लिखते हैं एचबीबी जीन। अगर तुम कहीं देखो ना, तो इसको मत समझ लेना, अच्छा ये तो ट्राइसोमी हो गया, ये डिफेक्टिव है, नहीं, इसका मतलब हुआ एच बी बीटा, ठीक है, एच बी हीमोग्लोबिन बीटा है ना, ये हुआ, समझ में आया? तो हीमोग्लोबिन का बीटा कौन सर। बना रहा था? सॉरी, 11वां नंबर, 11वां नंबर पे क्रोमोसोम, 11वां नंबर के क्रोमोसोम पे कुछ जीन, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो आ गए रिसेसिव कंडीशन में, वही म्यूटेंट, और फिर बाकी वही सारा कहानी चल गया, ठीक है। तो जैसे ही वो कंडीशन आएगा तो क्या होगा, ये जो बीटा चेन था इसका, पहले तो अल्फा ग्लोबिन चेन था, अब बीटा ग्लोबिन चेन, इसमें क्या होगा, इसमें भी नंबर में चेंज आएगा क्योंकि ये थैलेसेमिया, चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जब वो आएगा तो फिर कंडीशन लाएगा, राइट, लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा यहाँ पर मेन क्या हो गया, यहाँ पर अंतर मेन हो गया कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर 11 हो गया, वहां अल्फा चेन क्रोमोसोम नंबर 16, यहाँ पे बीटा चेन और क्रोमोसोम नंबर 11, करेक्ट। एक दो सर। पूछेंगे, एक लाइन बस लिखवा दे उसके बाद। तुम लोग रेडी हो ना? और हमें एक और चैप्टर स्टार्ट करना है, पहले ही बोल दिया, आज मंडे है, क्या मॉलिक्यूल? ठीक है। इधर देखो, अच्छा अगर हम एच बी बी जीन यहाँ पर लिखे तो समझ में आएगा, या फिर हम हीमोग्लोबिन बीटा लिख दे, बोलो। एच एच भी बी लिख लिख दो दो, आप, नीचे लिख देंगे, एच भी लिख दो, हम लिख लेंगे। ठीक है, यही स्टैंडर्ड वे है लिखने का। ये क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, क्या है? क्रोमोसोम नंबर 11, ओके, सो इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन बीटा जेल ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम है तो रेवती एक बात बताओ, क्रोमोसोम किसी भी जिन का एलील होता है, तुम्हें पता है ए बी या कुछ भी, ए ए स्मॉल में कैपिटल में होगा या नहीं होगा? यस अब मान के चल रहे हैं कि इसके लिए जो जिन है, ठीक है, उसके लिए हम बी ही डिनोट करते हैं, कैपिटल बी यानी डोमिनेटिंग और स्मॉल बी यानी रिसेसिव। हमने बोला कि एक पेरेंट है, ठीक है, माता और पिता होता है ना पेरेंट में, ठीक है, तो पिता का कंडीशन ये है और माता का कंडीशन ये है, तो रेवती नायर बताओ बच्चे कैसे कैसे होंगे, बोलो।
क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, भूलना मत, ये इनहेरिट होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो अल्फा थैलेसेमिया हो, बीटा थैलेसेमिया हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फेनाइल कीटोनूरिया हो, ये सारा क्या होगा? इनहेरिट होगा। तो बताओ क्या होगा? देखो अब बोल ही नहीं पा रही रेवती। यस सर। बताओ, ये तो गलत है सर। एक मिनट, हो गया सर। 75% होगा। चलो 75। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये कंडीशन होगा तो वो बच्चे हो जाएंगे थैलेसेमिक? यस सर। होगा ना रेवती? देखो तो रेसेसिव कंडीशन में ही थैलेसेमिया होगा ना? लोग बोलेंगे नहीं मेरे। ये रेसेसिव कंडीशन में ही थैलेसेमिया होगा। पढ़ लो, मैंने लिखवा था ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव? यस सर, इसी में होगा। तो इसी कंडीशन में रेवती क्यों नहीं बोल रही है? रेवती होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो फिर, और अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? तो नहीं होगा। तो बोलो ना, कैरियर होगा कि उसके पिताजी भी कैरियर थे, माता भी कैरियर, बच्चा भी कैरियर, होगा या नहीं होगा? होगा। ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन तो भी बीबी, यानी 50-50 चांस है ना? कौन सा चांस है? 50-50। वही पर बात घूम घूम के आते हैं। अच्छा, डोमिनेटिंग वाला भी तो हमको देखना था, हम तो भूल गए। हम तो डोमिनेट वाले के साथ मिलाया ही नहीं, इसके साथ भी तो कर पाए ना? और ऐसा दो बन जाएगा। 25% चांस है, ठीक है? कितना परसेंट चांस है बच्चों? 25। कितना है? 25। यानी इसको डिसऑर्डर होने का चांस है 25, बट कैरियर बनने का चांस कितना परसेंट है? 50%। देखो ना, है कि नहीं है बीबी? बीबी वाला, ये माता पिता क्या है? कैरियर है कि नहीं है? अब तुम पूछोगे कि सर कैरियर होंगे तो इनमें प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? क्या होगा? इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है? कैसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? एक की वजह से क्या होगा, कुछ जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, कुछ हीमोग्लोबिन या बीटा चेन वो डिफेक्टिव होंगे, बाकी सब नॉर्मल। यानी नंबर ऑफ जो आरबीसी सेल होगा ना, बहुत ही कम डिफेक्टिव होगा, ठीक है? यानी कुछ खास असर उनको पड़ने वाला है नहीं। लेकिन ये कंडीशन में बहुत खतरनाक है, इनको तो बार बार ब्लड ही अपना चेंज करवाना पड़ता है। तुमने अगर नाम सुना होगा थैलेसेमिया का तो तुमको पता होगा कि उन लोगों को खून का कमी रहता है, हर 3-4 महीने पे खून ही बदलते रहते हैं। खून, उनको खून का ही कमी रहता है, खून चलाना पड़ता है, खून चलाना। ऐसे सिकल सेल एनीमिया में भी होता है ना? बिल्कुल, ठीक है। तो ये सिकल सेल में कराना पड़ता है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इसको हटा दें। मुझे लगता है तुम लोग काफी समझदार हो गए, समझ गए होंगे। समझ में आ गया क्या? क्योंकि बहुत दिनों से भूल गए थे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो इनहेरिट भी होता है, सोच रहे थे चलो कोई बीमारी बीमारी चल रहा है ना, चलने दो। क्यों चलने? देखो इसमें जो थैलेसेमिया का मैंने बताया कि कौन सा कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा था कि इसके ये कैरियर बन रहा था। क्या बन रहा था? कैरियर, यानी इनको थैलेसेमिया है बट कुछ खास असर नहीं होगा। तो इनको जो थैलेसेमिया होता है उसको कहते हैं थैलेसेमिया माइनर। क्या कहते हैं? थैलेसेमिया माइनर, ठीक है? और जो उस कंडीशन में हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में तो उसको कहते हैं थैलेसेमिया मेजर, ठीक है, या फिर कोलिजन। समझ में आया? तो लिखोगे क्या? लिखोगे? लिख लो, हम ऐसे डिक्टेट करवा देते। लिख दो, पर्सन विथ वन डिफेक्टिव, लिखो पर्सन विथ वन डिफेक्टिव। वैसे भी तो ब्लर ही आ रहा होगा तुम लोगों को। पर्सन विथ वन डिफेक्टिव एलील। अच्छा रेवती, यहाँ पे डिफेक्टिव का क्या मतलब है? रेसेसिव होगा। बिल्कुल, ठीक है। सो पर्सन विथ वन डिफेक्टिव एलील सफर फ्रॉम थैलेसेमिया माइनर, सफर फ्रॉम थैलेसेमिया माइनर, है ना? पर्सन विथ वन डिफेक्टिव एलील सफर फ्रॉम थैलेसेमिया माइनर। स्मृति तुम लिख रही हो क्या या चुपचाप बैठे हो टिकटॉक के सामने? लिख रही हूँ। लिखो
चलो आगे बोले। यस सर। ठीक है। पर्सन विथ बोथ डिफेक्टिव एलील, पर्सन विथ बोथ डिफेक्टिव एलील, पर्सन विथ बोथ डिफेक्टिव एलील सफर फ्रॉम थैलेसेमिया मेजर और कूली एनीमिया। उसको क्या कहते हैं? कूली का एनीमिया, है ना। कूली मतलब कौन? ट्रेन वाला, है ना। यस सर। यस सर। ट्रेन वाला सफर फ्रॉम कूली का एनीमिया कूली और ये कूली कौन है स्मृति? ट्रेन। कल तो पकड़ने जाओगी ना तो उसी सबसे पूछ लेना कि ये आपका जो एनीमिया चल रहा है वो तो बीटा थैलेसेमिया है ना, तो बता देंगे। ठीक है, पीट देंगे भाई। एक झापड़ देगा ट्रेन के नीचे गिर पड़ेगा भाई। बोल रहा था वैसे काफी मजा दिलाया वो। कूली एनीमिया ये वो साइंटिस्ट वो प्रोफेसर का नाम था जिसने पहले इस डिसऑर्डर को देखा। चलो क्यों ना हम लोग इसके सिम्टम्स को देख ले। क्या तुम लोग भी इसके सिम्टम्स को देखना चाहते हो? Yes, sir. देखो फिर, देखो लगभग वैसा ही होगा। अब सब ट्रेन में डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्या बोल रहे हो? डिस्काउंट क्या बोली? क्या बोल रही तो ट्रेन डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों मिलता है? इसको डिस्काउंट मिलता है इनको कहते हैं क्वेश्चन कूली एनीमिया वालों को ट्रेन में डिस्काउंट मिलता है। एनीमिया नहीं थैलेसेमिया, थैलेसेमिया। ठीक है, ये सही बात है। थैलेसेमिया। अब देखो मैंने क्या बोला, उस अल्फा कंडीशन में मैंने बोला था एनीमिया और उसमें मैंने बताया था कि मैक्रोफेज उसको इंगल्फ करता है ना। क्या करता रहता है? उसको इंगल्फ करता है। यस सर। ठीक है, इंगल्फ। उस कंडीशन में थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तुम पढ़ोगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन यूज कर लिया जाता है एनीमिया क्या के, और उसको कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका मतलब क्या हुआ पता है? हीम का मतलब होता है ब्लड, लाइटिक मतलब किसी चीज का टूटना होता। ठीक है, जैसे होमोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना। तो हीमोलाइटिक एनीमिया, तो हीमो यानी ब्लड का टूटना। ठीक है, ब्लड को कैसे, ब्लड कैसे टूटता है? तो हीमोग्लोबिन क्या है उसमें डिफेक्टिव स्टेट का, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाता है? डिफेक्टिव और टूटने लगता है। जब वो टूटेगा तो मैक्रोफेज उसको इंगल्फ करेगा, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा और टूट रहा है इसलिए हीमोलाइटिक। समझ में आया? यस सर। यस सर। काफी इजी हो गया ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बायोलॉजी में तो नाम से ही पता चल जाता है सब कुछ, है ना। तो हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म मैं यूज करने वाला हूँ जिसका मतलब प्रियंका बताएगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, है ना। तो वो बताएगी हम लोगों को। सर आपने बताया तो था अभी कि जो स्प्लीन है और जो लिवर है वो टूट जाएगा या बड़ा हो जाएगा, लंबे टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा कार्डियक इम्पैक्ट। ठीक है, जिसको कार्डियक इनलार्जमेंट भी कहते हैं, यानी दिल का साइज क्या होने लगता है? थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या लिखते हैं? दिल बड़ा वाला बात नहीं है। हाँ भाई, वो नहीं, ये सब नहीं चलता। तो जिसका भी दिल बड़ा है इसका मतलब वो बीटा थैलेसेमिया का सिम्टम लेके घूम रहा है, यही बोल रहा है ना। और दूसरा इसका लेटर आगे से ऐसी वही स्केलेटल डिफॉर्मिटीज वही होगा, पर है ना। मैंने रीजन तो मैं अच्छे से खुल के काफी डिटेल में बताने का कोशिश किया था, है ना। तो क्या हम लोग ये मान के चले कि बीटा थैलेसेमिया समझ में आ गया है बच्चों को? और तो अलग क्या है? कोई बात नहीं, चलो आगे। देख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। सिम्टम्स में मैंने लिखा है हीमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, कार्डियक,
कार्डियक, कार्डियक एनलार्जमेंट या कार्डियक एम्पैथी, ठीक है, सॉरी कार्डियक मायो, कार्डियक मायोपैथी, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये पूछ लो। फोर्थ वाले में स्केलेटल डिफॉर्मिटीज क्या है, ये उनका अलग अलग शेप हो जाना। ओके चलो चले आगे, अब लिखते हैं। हाँ सर। अब दूसरे डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या नाम है बच्चों? मैं इसमें बस उतना ही डिसीज कवर करने का कोशिश किया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सिस्टिक इतना कुछ आता है? आता है, ठीक है, आता है, कभी कभी इससे ज्यादा डिटेल में घुस जाता है, बट मैं अभी मुझे पता है इस डिसऑर्डर में नहीं घुसता है, जिसमें डिसऑर्डर में जाएगा उसमें पता। चलो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हटा दें। ये दूसरी डिसऑर्डर स्टार्ट हो गई। ये दूसरा डिसऑर्डर है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तो काफी सही है ना। टेंशन मतलब ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो पता नहीं कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में, बट इंडियंस वहां भी जाकर शादी वादी करने लगे हैं तो ठीक है। चलो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब देखो इसमें होता क्या, ये डिफेक्ट सबसे पहले कहाँ का है? अच्छा ये भी हम किसको पढ़ रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये भी कैसा डिसऑर्डर होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव, क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव, बट रिसेसिव कौन सा नंबर क्रोमोसोम पे होगा? ये होगा क्रोमोसोम नंबर 7। क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। अब जब क्रोमोसोम नंबर 7 पे ये होगा तो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें होता है पैंक्रियाज का नाम सुने हो? तो पैंक्रियाज में क्या होता है, फाइब्रस, देखो फाइब्रस सिस्ट, सिस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर। बोलो ऐसे मांस इकट्ठा हो जाता है एक जगह, क्या होता है इकट्ठा, ब्लास्ट सेल मास इकट्ठा हो जाता है एक जगह। ये गलत तो नहीं बोल रही है, ये सही बोल रही है, ठीक है। फाइब्रस सिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा मास जो नॉन कैंसरस हो, कैसा हो, नॉन कैंसरस, ठीक है। एक तो कैंसरस मास भी होता है, एक होता है नॉन कैंसरस मास, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट, ठीक है, या फिर हिंदी के टर्म में हम लोग ट्यूमर अगर कहो तो, लेकिन नॉन कैंसरस होना चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला? नॉन कैंसरस, तो वो सिस्ट हो। फाइब्रस का मतलब कि उसमें फाइबर्स प्रेजेंट हो, क्या हो, फाइबर्स क्या हो, ऐसे ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या करता है पैंक्रियाज, ध्यान से सुनना, एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनाने लगता है, किसकी वजह से, कहा गया क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है उसकी वजह से। नॉर्मल जो जीन उसको बनाना था, देखो म्यूटेंट जीन या रिसेसिव जीन में हमने क्या पढ़ा था, या फिर वो नो एंजाइम बनाएगा, बताया था कि नहीं, या फिर नॉन एफिशिएंट बताया था, थोड़ा सा बताएगा ना, तो नॉन एफिशिएंट जब बनाएगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पैंक्रियाज बनाता है इसमें, लेकिन नॉन एफिशिएंट, क्या बनाएगा, नॉन एफिशिएंट, जैसा उसको प्रोटीन बनाना था वैसा वो नहीं बना पा रहा। वो कैसा बनाएगा, फाइबर, वो बनाएगा थोड़ा सा थिक प्रोटीन, कैसा बनाएगा, थिक प्रोटीन, ठीक है। वो बताते हैं उसके बारे में डिटेल में, पैंक्रियाज जो प्रोटीन बनाएगा वो थोड़ा सा फाइब्रस होगा, यानी जो प्रोटीन नॉर्मली, मान लो प्रोटीन का ये सेल है, उसमें ये फाइबर थोड़ा सा ज्यादा हो, क्या होगा, फाइबर थोड़ा सा ज्यादा हो, जिसकी वजह से वो प्रोटीन हो जाएगा थिक, यानी उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से क्या होता है बॉडी में क्या होता है, म्यूकस, जानते हो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, म्यूकोसा लेयर म्यूकस को सीक्रेट करता है, तो ये क्या करता है, म्यूकस जो बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से जो बनता है हमारे बॉडी में म्यूकस, ठीक है, इसको कंट्रोल कर रहा पैंक्रियाज से आने वाला प्रोटीन। तो अब जब प्रोटीन थिक बन रहा है, तो हम देखते हैं इस बीमारी में ये म्यूकस क्या, वो भी क्या बनता है, थिक बनता है, क्या बनता है, थिक। अब वो थिक बनेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, आप देखो, समझ में आया कुछ, वो क्या रहा, समझ में आया, प्रोटीन थिक और ये भी थिक, इसीलिए पूरा का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये तो चित्र देखे ही हो गए, हाँ
ऐसे करके कुछ क्या ही बनाने की कोशिश कर रहे हो सर? ये है क्या चीज वैसे? ये है क्या चीज सर? जो भी है लंग्स ईसोफेगस ठीक है, ये क्या है? ये वाला बीच वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये बीच वाला पार्ट पेन पाइप ऐसे ऐसे जो होता है पेन पाइप होना चाहिए, इसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होता है, वो ईसोफेगस होना चाहिए। इसको हम लोग क्या ट्रैकिया ट्रैकिया ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया ट्रैकिया को पकड़ के ऐसे काटा, कैसे काटा ऐसे ठीक है। अब जब तुम ट्रैकिया को ऐसे काटोगे तो हम जब तुमको ये दिखा रहे सेक्शन, तो नॉर्मली ट्रैकिया का तुम ऐसे देखोगे, नॉर्मली जो भी वॉल है इसका थिन होता है ठीक है। अब क्या हो रहा है, म्यूकस क्या हो रहा है इसमें ज्यादा बन रहा, क्या हो रहा है म्यूकस ज्यादा बन रहा, और हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल और ये वाला जो भी कैनाल है उसमें म्यूकोसा लेयर का मेन काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना, किसको सिक्रेट करना म्यूकस को। तो तुम इस कंडीशन में ध्यान से देखना, इस कंडीशन में क्या देखोगे, सबसे पहली बात ये वाला चीज इन्फ्लेमेट हो गया होगा, यानी स्वेलिंग हो चुका होगा इसका ठीक है, यानी ये फूल गया होगा, और तो और इसमें म्यूकस भरा होगा। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, पहले इसमें जैसे एयर पास हो रहा था क्या वैसे ही एयर अभी पास होगा? नहीं सर, नहीं होगा। मैंने तो यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा दिखाया बट होता नहीं है, ये तो बहुत छोटा होता ना, ऐसे छोटा सा, उसमें भी ट्यूब पूरा ऐसे म्यूकस भरा हुआ ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा क्या? यानी एयर आसानी से पास आ जा सकता है क्या, बताओ? ये ऐसा पूरा अंदर तक ठीक है नहीं हो पाएगा ना, एयर का यानी जो पाथवे वो ब्लॉक होने लगता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा खुद बताओ। म्यूकस बहुत ही थिक है, बहुत ही ज्यादा थिक होता है, तो क्या होगा कि ये जो है ब्लॉक होने लगेगा, यानी इस तरह के प्रॉब्लम इस। अच्छा एक बात बताते हैं, अभी देखो कैसे याद रखते हैं सिम्टम्स। सर्दी के मौसम में जब हम लोगों को नेजल कंजेशन होता है तो बताओ सांस लेने में कितना ज्यादा तकलीफ होता है, होता है या नहीं होता? होता है, सर्दी होता है और खास करके दोनों नाक बंद, तो सांस जो हम लोग बक्कल कैविटी से लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, होता है ना? तो इसको यानी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रसित है उसको जीवन भर ये प्रॉब्लम रहता है, जीवन भर ठीक है। और तो और हम लोगों को तो कम से कम माउथ से सांस लेते हैं चलो ठीक है, बट उनके तो ट्रैकिया में ही प्रॉब्लम है ना, तो उनको तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है सांस, यानी हमेशा दम तो उनका फूलता रहता है, सांस उखड़ता रहता है उनका, क्योंकि एयर का पैसेज ही नहीं है जाने का, समझ में आ रहा? लगता है कि आप मर जाएंगे, आप ऐसा हो जाएगा ठीक है, हमेशा मतलब सांस लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं, समझ में आ रहा? यानी घुटन जैसा महसूस होता है, हमेशा हमेशा घुटन की तरह महसूस होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। अब इसको रोक ही नहीं सकते हम लोग, कोई भी दवा, मैक्सिमम जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं ठीक है। तो पैनक्रियाज ऐसा प्रोटीन बनाता रहेगा, यहाँ पे म्यूकस ऐसा बनता रहेगा और ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगा, समझ में आया? yes, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें अभी तक? no, sir. होना नहीं चाहिए, नहीं सर होना भी नहीं चाहिए, मुझे विश्वास है बंदा मेजॉरिटी तो वेंटिलेटर पे पड़ा होगा। कैप्सिका यस सर, ये तो ट्रैकिया का नहीं पता कि ट्रैकिया ये होता है, कम से कम तुम स्टर्नम बोल देती तो भी हम समझ जाते कि चलो भाई हड्डी समझ के स्टर्नम बोल दी, बीच का हड्डी वो भी नहीं बोल। मैंने विंडपाइप थोड़ा सा बोल दिया था, ये सब काफी, ये बहुत गलत था, ये सब बच्चों में क्लास 5 6 में ठीक है, ये विंडपाइप फुट पाइप वाटर पाइप पता नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सर एक तो दिख नहीं रहा है वो कार्ड थी है मैंने, चलो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर गलत बात दी थी गलत ठीक है कोई ऑटो, ये सब तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का लिखे ना लिखे बट लिख देते हैं ठीक है। ये कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आने की वजह से होता है प्रियंका? 7 अरे मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा अभी, तो क्या बना रही है ये? मैं अपने दिमाग में वो क्या ऑर्डर वाइज क्रोमोसोम नंबर डाल रही हूँ ना अभी।
इसके बाद मैंने क्या बताया है कि ये कॉमनली कहां पे पाए जाते हैं, नॉर्थ यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं सर? इंडिया में लिखो अब। अभी मार्केट में लॉन्च ही हुआ है, मार्केट को पकड़ना नया हो गया है ना, हो गया है ना। बीमारी सब लेके आओगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। चलो अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या, फाइब्रस सिस्ट हो जाता है कहाँ पे, पैंक्रियाज में। कहाँ पर होता है, पैंक्रियाज में, है ना। तो देयर इज फाइब्रस सिस्ट, क्या कह सकते हो, there is fibrous cyst in pancreas। तो वो क्या लिखा है, found in के बाद समझ नहीं आ रहा। North Europe, North example, North Europe and North America, there is fibrous cyst। क्या बोली है? बहुत अच्छे। North example। क्या? अरे मुझे दिखा नहीं। North example। तो इसका मतलब गलत चलत लिख लो भी। इसे मारो, कोई मारो इसे, जिंदा क्यों है? गलती गलती है। नॉर्थ एग्जांपल कहाँ से? अरे नहीं दिखा। तब भी ये दिमाग में कहाँ से आया तेरे? आ गया बस। कैसा प्रोटीन बनाएगा, डिफेक्टिव प्रोटीन, ठीक है, विच प्रोड्यूस डिफेक्टिव प्रोटीन। और ये डिफेक्टिव प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हो, ये क्या करेगा, ये फर्दर बनाएगा थिक म्यूकस, ठीक है। सर तो हमारे जो प्रोटीन बनने का जो होती है हमारे पैनक्रिया से रिलेटेड है, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन, यानी यही प्रोटीन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, म्यूकस जो सिक्रीट करवाएगा वो थिक, क्योंकि ये प्रोटीन ही डिफेक्टिव है। ये वर्ड को चाहो तो अंडरलाइन कर लो, ये क्या कैसा प्रोटीन है, डिफेक्टिव। नॉर्मल प्रोटीन रहता तो नॉर्मल म्यूकस, प्रोटीन कैसा है, डिफेक्टिव। क्या है प्रियंका, डिफेक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस टाइप का प्रोटीन कॉज, ठीक। म्यूकस सिक्रीशन है ना। तो प्रियंका ऐसा कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं सर। जल्दी से लिख लो इसको और फ्री करो मुझे, है ना। ला होस्ट बनाओ, फ्री करें। काफी दिमाग चला रही है दीदी। नहीं तो अरे दीदी के पास दिमाग बहुत है, क्या करें, थोड़ा सही जगह इस्तेमाल किया करें। होगा तब करें। आपको बीच में बोली करना जरूरी है, वो तारीफ कर रही है, सही नहीं जा रही आपसे। हटा दे, टॉन्ट का चल रही है, क्या हटा दे? यस सर। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। पहले ऊपर वाला हटाते ना, यही मेरा स्टाइल है, नीचे का पहले हटाते, जो सामने रहता है उसी को हटाते हैं सब। देखो इसमें सिम्टम्स बहुत सारे हैं, इसमें सिम्टम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिर्फ दो सिम्टम्स या तीन सिम्टम्स बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, जानबूझ के। सिम्टम्स इसके फिर से बहुत सारे। सबसे पहले जो एयर वेज है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो सिम्टम्स की, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसमें रेकरेंट एक्सपायरेटरी एक्सकार्बेशन होता है, मतलब क्या होता है,
इसमें सांस लेने का तकलीफ हमेशा क्या रहता बना रहता, समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है, इसमें हमेशा यानी बंदा को कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगा, ये हमेशा रहता है, ठीक है, वो सांस ही नहीं ले पाएगा. सेकंड में एक तो दिख नहीं रहा, पढ़ के तो लिखो क्या लिख रहे हो. ये तो सर दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम. ठीक है, जानबूझकर वर्ड यूज नहीं किया, प्रॉब्लम. आवाज अटक गई थी सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब फिर से सेकंड वाला बताओ सर. रेकरेंट की बात, एक और सिम्टम लिख लो, बात खत्म. इतना ही पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पसीना, उनमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता, एक्सेसिवली सॉल्टी स्वेट, ये लिख सकते हो, बस तो घर में नमक की कमी नहीं होती होगी. नमक की कमी हो जाएगी ना बॉडी में, अगर ज्यादा नमक बॉडी रिलीज करेगा. घर घर में बात की सर, घर में सर और खा लेंगे सर, कोई नहीं. ठीक है, खाने में नमक की कमी ज्यादा होता होगा. ठीक है, संपन्न करता हूँ, सो गुड नाइट.